उससे ये पूछते थे कि सर हम किस प्रकार से ऐसे घर में इन्वर्टर का वायरिंग करेंगे जिसमें पहले से इन्वर्टर का वायर कनेक्ट नहीं है। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे हमारा जो नया घर का वायरिंग होता है उसमें हम इन्वर्टर का वायर ऑलरेडी डाल देते हैं, तो उसमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन ऐसे घर में जिसमें पहले से इन्वर्टर का वायर कनेक्ट नहीं है उस घर में किस प्रकार से हम इन्वर्टर का वायरिंग करेंगे उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा स्विच बोर्ड है इस स्विच बोर्ड में वायरिंग लगभग 50 साल पहले किया गया था। अब इस स्विच बोर्ड में हम किस प्रकार से वायरिंग करेंगे, साथ ही साथ में मेरे जो रूम है यानी कि एक बगल में जो रूम है इस रूम में भी हम किस प्रकार से इन्वर्टर का वायरिंग करेंगे उसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। यानी कि आज के वीडियो में हम दो रूम का वायरिंग करेंगे वो भी इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर का वायरिंग एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास में है लुमिनस कंपनी का आइकॉन 1100 प्योर साइन वेव इन्वर्टर। अब ये जो हमारा इन्वर्टर है इस इन्वर्टर के साथ में हमें 150 एएच से लेकर 220 एएच का टॉल ट्यूबलर बैटरी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं यहां पे इस इन्वर्टर के साथ में लुमिनस कंपनी का ही टॉल ट्यूबलर बैटरी इस्तेमाल करूंगा जो कि 150 एएच का है। दोस्तों ये जो हमारा इन्वर्टर है इसका कनेक्शन करने से पहले इस इन्वर्टर का बेसिक चीजें हमें मालूम होना चाहिए। तो जब भी आप कभी इन्वर्टर को बाय करने जाओ आपके घर के लिए तो आपके घर के लोड के अकॉर्डिंग ही इन्वर्टर को सेलेक्ट करिएगा। मेरा जो घर है मेरे घर का लोड ज्यादा नहीं है, लगभग 700 वाट का है, तो मैंने यहां पे 900 वीए का इन्वर्टर को बाय किया हूं। ये जो इन्वर्टर है वो 900 वीए का है। दोस्तों ये जो इन्वर्टर है इस इन्वर्टर का इस्तेमाल करने का एक रीजन ये भी है कि इसके साथ में जो बैटरी इस्तेमाल किया जाएगा उस बैटरी को हम इस इन्वर्टर के अंदर में रख देंगे। यानी कि देखने में इतना अच्छा लगेगा कि कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि यहां पे इन्वर्टर रखा हुआ है। ये जो हमारा इन्वर्टर है इस इन्वर्टर का लुक पूरा का पूरा एसी का जैसा है, तो इसलिए मैं यहां पे इस इन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये जो हमारा इन्वर्टर है इस इन्वर्टर का इस्तेमाल करने का एक बेनिफिट और ये भी होगा कि जो हमारे घरों में पावर सप्लाई आता है यदि पावर सप्लाई डाउन हो जाएगा यानी कि हमारे घर का वोल्टेज 90 वोल्ट तक भी पहुंच जाता है तो ये जो हमारा इन्वर्टर होगा ये इन्वर्टर बैटरी को बहुत आसान तरीके से चार्ज कर देगा। ठीक है दोस्तों, इस इन्वर्टर में आपको वर्किंग के अनुसार 6 इंडिकेशन मिल जाएगा जिसमें आपको दो कलर मिलेगा इंडिकेशन का। ग्रीन इंडिकेशन ग्लो होता है तो मतलब कि ओके, और यदि रेड इंडिकेशन ग्लो होता है तो इसका मतलब ये है कि कोई फॉल्ट है। यदि हमारा मेन पावर सप्लाई ऑन होगा तो यहां पे इंडिकेशन ग्लो होगा, यदि किसी प्रकार का फॉल्ट होता है तो आपका फॉल्ट वाला इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपका बैटरी चार्जिंग होती है तो उस कंडीशन में यहां पे इंडिकेशन ग्लो होता है। इसके बाद इस इन्वर्टर के साथ में जो बैटरी इस्तेमाल किया जाएगा यदि बैटरी का वोल्टेज कम हो जाता है तो उस कंडीशन में एक इंडिकेशन लैंप ग्लो हो जाएगा जो कि रेड कलर का होगा। इसके बाद यदि आपका जो इन्वर्टर है वो पूरा वर्किंग कंडीशन में तो आपका यहां पे सिस्टम ऑन का इंडिकेशन ग्लो होगा। इसके बाद ये जो हमारा इन्वर्टर है इस इन्वर्टर पे यदि आप ज्यादा लोड को कनेक्ट कर देते हो तो इस कंडीशन में यहां पे जो हमारा ओवरलोड है इसके सामने एक ओवरलोड का इंडिकेशन ग्लो होगा जो कि रेड कलर का होगा। इसके बाद आपको यहां पे एक पावर बटन भी मिल जाएगा जिसको प्रेस करके हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं। इस इन्वर्टर के बैक साइड में आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाएगा, उसके बाद आउटपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए आपको एक सॉकेट मिल जाएगा और साथ ही साथ में इस इन्वर्टर के प्रोटेक्शन के लिए एक फ्यूज लगाया गया है। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो फ्यूज आपका ब्लोन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसके साइड में जब आप देखोगे तो यहां पे एक फैन लगाया गया है। यह फैन तब ऑन रहता है जब हमारा इन्वर्टर वर्किंग कंडीशन में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा इन्वर्टर है इस इन्वर्टर के ऊपर में ये जो कवर है इस कवर को हमें ओपन कर देना है। इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहां पे एक चैम्बर दिया गया है जिसके अंदर हमें बैटरी को रखना होता है। तो इस बैटरी को हम इस इन्वर्टर के चैम्बर में रख देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा बैटरी का दोनों केबल है इसमें से जो रेड केबल होगा इसको ले जाके हमें बैटरी का जो पॉजिटिव टनल है इस टनल पे इसको कनेक्ट करना होगा। तो हम यहां पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो हमारा ब्लैक केबल है इस केबल को ले जाके बैटरी का जो नेगेटिव टनल होता है इस टनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ब्लैक केबल है इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है और जो रेड केबल है इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। अब ये जो हमारा ब्लैक केबल है इसको कनेक्ट करने के टाइम हल्का सा स्पार्किंग जनरेट होगा, उसके बाद आपको यहां पे ले जाके कनेक्ट कर देना है। अब इस इन्वर्टर का जो कवर है इस कवर को हम लगा देते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो हमारा इन्वर्टर है इन्वर्टर का जो पावर केबल होता है इस पावर केबल के द्वारा हम बैटरी को चार्ज करते हैं। तो ये जो हमारा पावर केबल होगा इसको हमें ऐसे जगह कनेक्ट करना है जिसमें हमारा मेन पावर सप्लाई आएगा। तो यहां पे हमारे पास में एक पावर सॉकेट है, इस पावर सॉकेट के साथ में इस पावर केबल को कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के बाद मैं स्विच को ऑन करता हूं तो आप देखोगे जो हमारा इन्वर्टर है इस इन्वर्टर पे इंडिकेशन आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहां पे पावर बटन को ऑन कर दूंगा। इस बटन को प्रेस किया, हमारा मेन पावर सप्लाई ऑन हो गया, सिस्टम ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा इन्वर्टर है इसको अभी मेन पावर सप्लाई यहां से जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा सॉकेट है इस सॉकेट के साथ इस बल्ब को कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। ये जो मेरा बल्ब है इसके आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करूंगा तो आप देखोगे बल्ब हमारा ग्लो हो गया। अभी जो हमारा बल्ब है वो अभी मेन पावर सप्लाई के द्वारा वर्क कर रहा है क्योंकि हमारा मेन पावर सप्लाई है। अब मैं यदि इसको रिमूव कर देता हूं, अब मैंने इसको रिमूव भी कर दिया तो हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। अब जो हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है वो इन्वर्टर के पावर सप्लाई पे ग्लो होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा इन्वर्टर है इस इन्वर्टर के आउटपुट पावर सप्लाई यानी कि यहां पे जो हमने सॉकेट के जरिए बल्ब को कनेक्ट किया है इसी को ले जाके हमें स्विच बोर्ड में कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे समझ लेते हैं। तो इसमें इन्वर्टर का पावर सप्लाई देने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक प्लग टॉप ले लीजिएगा। ये जो हमारा प्लग टॉप है ये 3 पिन वाला होना चाहिए। अब इस 3 पिन प्लग टॉप से आपको क्या करना है कि जो राइट हैंड वाला पिन है इस पिन पे एक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। आप चाहे तो डबल वायर को भी कनेक्ट कर सकते हो, फेस और न्यूट्रल दोनों पावर सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप केवल एक वायर से भी कनेक्शन कर सकते हो। तो मैं आपको केवल एक वायर के जरिए कनेक्शन करके बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड वाला जो पिन है इस पिन के साथ मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस प्लग टॉप को मैं कवर कर देता हूं। अब इस प्लग टॉप से जो वायर जाएगा इसको हमें ले जाना है इस स्विच बोर्ड में। इस स्विच बोर्ड को हमें ओपन करना पड़ेगा कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं घर के पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूं। तो मैंने घर के पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया हूं। अब मैं यहां पे एक बार कंफर्मेशन करने के लिए पावर सप्लाई को चेक कर लेता हूं। अभी कोई भी पावर सप्लाई नहीं आ रहा, मतलब कि पावर सप्लाई पूरा डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इस स्विच बोर्ड को ओपन कर लूंगा।
ओके, तो आप देख सकते हो कि इतना सारा वायर इसमें कनेक्ट है। अब हम यहाँ पे कैसे पता करें कि हमारा जो मेन पावर सप्लाई है वो कौन सा है? तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना होगा, जो आपका स्विच है, इस स्विच में आप देख सकते हो नीचे वाला जो टर्मिनल है येलो वायर से आपस में कनेक्ट है, यानी कि पूरा का पूरा आपस में शॉर्ट है, यानी कि इनकमिंग पावर सप्लाई इन्हीं स्विच में से किसी भी एक टर्मिनल पे दिया गया होगा। ये जो तीनों वायर है, ये वाली और ये वाली, और एक साथ में ये भी कनेक्टेड, मतलब कि चार वायर कनेक्टेड इनकमिंग टर्मिनल पे। अब इन चारों में से कोई भी एक वायर है जिसके द्वारा हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई आ रहा है, तो इसको पता करने के लिए आपको एक एक डिस्कनेक्ट करके पावर सप्लाई को चेक करना पड़ेगा किसके द्वारा आपको फेस सप्लाई आ रहा है। मैं यहाँ पे गेस करने वाला हूँ। यहाँ पे जो रेड वायर है आप देख सकते हो, ये वायर पीछे वाले रूम में चला गया है, यानी कि इस दीवार के पीछे में जो रूम है उस रूम को पावर सप्लाई देने के लिए इस वायर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसके बाद ये जो वायर है, ये वायर हमारा नीचे की तरफ चला गया, मतलब कि जो हमारा नीचे पावर सॉकेट है, इस पावर सॉकेट को भी इसी स्विच बोर्ड के द्वारा पावर सप्लाई दिया गया है, तो ये वाला वायर हमारा इनकमिंग नहीं है। इसके बाद ये जो दो वायर है, ये वायर देख लेते हैं कहां से आया है। तो ये दोनों वायर हमारा ऊपर की तरफ से आया है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई भी एक वायर हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई होगा, तो हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इन दोनों वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया, अभी हमारा पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट है, तो हमें ये नहीं मालूम चलेगा कौन सा इनकमिंग पावर सप्लाई है, तो इसके लिए हमें दोबारा से पावर सप्लाई को ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया हूं, अब मैं यहां पे चेक करता हूं कि इसमें पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी इस वायर पे कनेक्ट करने पे टेस्टर हमारा ग्लो नहीं हो रहा है, इस पे चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है, ओके, तो ये हमारा फेस सप्लाई वाला वायर है। अब यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से रूम में हमें फेस सप्लाई को कनेक्ट करना है, क्योंकि मेरा जो मेन इनकमिंग पावर सप्लाई आया है वो डायरेक्टली इस स्विच बोर्ड में कनेक्ट है। अब इस स्विच बोर्ड से आप देख सकते हो ये जो वायर है वो पीछे वाले रूम में चला गया है, मुझे पीछे वाले रूम में भी इन्वर्टर का कनेक्शन करना है, तो मैं इस वायर को रिमूव नहीं करने वाला हूं, ठीक है। अब ये जो वायर है वो चला गया इस पावर सॉकेट में, अब ये जो पावर सॉकेट है इसके द्वारा मैं इन्वर्टर को पावर सप्लाई दूंगा, तो इसमें इनकमिंग पावर सप्लाई मेन पावर सप्लाई से जाना चाहिए, तो मैं इसको यहां से रिमूव कर दूंगा। ओके, इसको रिमूव कर दिया, अब इसमें पावर सप्लाई मेन का जाना चाहिए, तो इसको मुझे डायरेक्ट शॉर्ट करना पड़ेगा। बाकी का जो हमारा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में पूरा का पूरा इन्वर्टर का वायरिंग मैं करने वाला हूं, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब ये जो वायर था जो ऊपर से आया है, ये चला गया है वॉशरूम के लिए, तो मैं इसको भी इसमें कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। वॉशरूम के लाइट को भी मुझे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है, तो इसको भी मैं इसी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ओके, इसको हमने कनेक्ट कर दिए। अब ये जो हमारा प्लग टॉप है, इससे जो वायर आएगा, इस वायर को हमें ले जाके ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हमें कनेक्ट करना है, जहां से हमने इनकमिंग पावर सप्लाई को रिमूव किए थे उसके जगह पे हमें इस वायर को कनेक्ट करना होगा, क्योंकि इसी के जरिए हमारा फेस सप्लाई आएगा इस स्विच बोर्ड में, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको किसी भी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, मुझे दो रूम का वायरिंग करना है इस इन्वर्टर के साथ में। अब जो मेरा पीछे वाला रूम था उस रूम का वायर इसी स्विच बोर्ड से गया है, तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर डालने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो वायर है ये चला गया है हमारे पिछले वाले रूम में। यदि आपका जो दूसरा रूम है उस रूम में वायर इस स्विच बोर्ड के जरिए नहीं गया है, तो आपको यहाँ पे अलग से एक वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, इस टाइप से कोई वायर ले लीजिएगा, इस वायर का जो एक सिरा है इसको ले जाकर जो नीचे में लिंक लगा हुआ है, यानी कि जिसके द्वारा शॉर्ट किया गया, उसके साथ में आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। उसके बाद इस वायर को ले जाकर जिस भी स्विच बोर्ड में कनेक्ट करना है वहां पर ले जाकर जिस प्रकार से हमने इनकमिंग पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिए और उसके जगह पर इन्वर्टर वाले वायर को कनेक्ट किए, उसी प्रकार से आपको इस वायर को ले जाकर कनेक्ट करना होगा। आपका यदि वायर डाला नहीं है तो आपको अलग से वायरिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो मेरा स्विच बोर्ड है इस स्विच बोर्ड को मैं पैक कर देता हूं। अब दोस्तों हमें केवल एक चीज करना है, हमें क्या करना है कि ये जो हमारा इन्वर्टर का वायर है इसको ले जाके जो हमारा इन्वर्टर है इसके आउटपुट सॉकेट के साथ कनेक्ट करना होगा, तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरा चार्जिंग वाला केबल है इसको इस सॉकेट के साथ कनेक्ट करना है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरा पावर सप्लाई अभी डिस्कनेक्ट है, ठीक है। अभी मेरा घर का पावर सप्लाई ऑफ है, आप देख सकते हो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे केबल इस प्लग टॉप को इस सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसको कनेक्ट करने के बाद मेरा जो इन्वर्टर है इसके फ्रंट साइड में ये जो स्विच है इस स्विच को मैं प्रेस करूंगा इन्वर्टर को ऑन करने के लिए। इसको प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम ऑन का इंडिकेशन आ चुका है, ग्रीन लाइट ग्लो कर रहा है, इसका सिस्टम ऑन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे रूम का जो लाइट है, आप देख सकते हो वहां पे मेरे रूम का लाइट भी ग्लो हो रहा है, और साथ ही साथ में मेरा जो फैन है फैन भी अभी रन कर रहा है, यानी कि मेरा जो इन्वर्टर है इसके द्वारा मेरे घर में पावर सप्लाई पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे घर का मेन पावर सप्लाई अभी डिस्कनेक्ट है, इस कंडीशन में हमारा जो इन्वर्टर है वो मेरे घर के पूरे पावर सप्लाई को रन करवा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरे घर का जो पावर सप्लाई है इसको ऑन करता हूं, उसके बाद क्या होगा, ये जो इन्वर्टर है ये बैटरी से पावर सप्लाई लेना बंद कर देगा और मेन पावर सप्लाई जो है उसके जरिए पूरे घर के लाइट को ऑन कर देगा। तो चलिए एक बार मेन पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। तो हमने मेन पावर सप्लाई को ऑन कर दिया, लेकिन अभी इस इन्वर्टर को मेन पावर सप्लाई नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो स्विच है ये ऑफ कंडीशन में है। अब मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, इसको ऑन करने के बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो इंडिकेशन आ चुका है। अब यहाँ पे इंडिकेशन आ गया, साथ ही साथ में यहाँ पे भी इंडिकेशन ग्लो होने लगा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इन्वर्टर का बैटरी है वो बैटरी चार्ज होने लगा है, ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं यहाँ पे इस स्विच को ऑफ करूं, यानी कि मेन पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करूं, तो आप देखोगे लाइट थोड़ा सा ऑफ होगा, उसके बाद जो हमारे घर का डिवाइस है पूरा का पूरा इन्वर्टर के बैटरी पे काम करने लगेगा, यानी कि इन्वर्टर के पावर सप्लाई पे वर्क करने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप इस इन्वर्टर को बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक के जरिए इस इन्वर्टर को आप बाय कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।